नाइन्थ एनसीईआरटी के आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेखाएं और जो कोण चैप्टर था हमारा, उसमें कोण कितने प्रकार के होते हैं उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए कोणों के और भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक। जैसे आपको पता है कि ये एक समकोण है, ठीक है, ये एक समकोण है। और जैसे अंत बिंदु वही है और यहाँ से एक और किरण चली जाती है हमारी, तो ये एक कोण बन गया, ये एक कोण बन गया। और इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना है, 90 डिग्री। मतलब एक इन दोनों कोणों का योग एक समकोण है, तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। इन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण, समझ गए, ठीक। और वे दो कोण जिनका योग, जैसे ये ठीक, ये दो कोण, एक ये कोण एक ये कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। मतलब रिजु कोण, समझ गए, रिजु कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना है, रिजु कोण। तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण, सम संपूरक कोण। इसे पूरक कोण और इसे संपूरक कोण कहते हैं, ठीक। अब देखिए कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, ठीक। जैसे यही देख लेते हैं, ऐसे ही हम यहां बना लेते हैं, ठीक। ये अंत बिंदु है, ये हमारी किरणें गई हैं, ठीक है, ये किरण है, ये किरण है और ये एक किरण है। तो ये पॉइंट हमने मान लिया ए है, ये हमने मान लिया सी है, ये हमने मान लिया बी है और इस पे एक पॉइंट है डी है, बिंदु है डी है। तो ये देखिए ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, ठीक। इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, मतलब संपूरक कोण है, ठीक। तो एंगल मतलब कोण ए बी डी और कोण कौन सा, सी बी डी। ए बी डी का मतलब क्या है, ए बी डी, ये वाला बड़ा वाला, ठीक। और एंगल सी बी डी का मतलब क्या है, सी बी डी, ये वाला छोटा वाला। इन दोनों कोणों से एक कोणों का रैखिक युग्म बनता है। रैखिक का मतलब है एक रिजु कोण, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। तो तभी इन दोनों कोणों के युग्म को हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म, समझिए आप। ऐसे ही देखिए कि ये दो किरणें हैं जिनका अंत बिंदु क्या है, समान है, ठीक। देखिए ये किरणें जा रही है हमारी, ये बिंदु ए है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु बी है, ठीक है। ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, ठीक। ठीक, आप कहेंगे कि यहां मैंने एक ही कर्व दिखाया, यहां दो दो कर्व दिखा दिए, जिससे अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो ये अंत बिंदु है, ये तो वही है, उभयनिष्ठ है। तो यहां जो कोण बनेगा और यहां जो कोण बनेगा, उनका मान आपस में बराबर होगा, परस्पर बराबर होगा। और यहां जो कोण बनेगा और यहां जो कोण बनेगा, इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा, समझ गए आप। तो इन कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये क्यों होता है, ये हम आगे आपकी प्रमेय में पढ़ेंगे। अभी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इन कोणों को हम कहते क्या हैं, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब है, देखिए यहाँ देखिए बिंदु वही है, ये इस शीर्ष की ओर है कोण और ये इन दोनों शीर्षों की ओर है, तो शीर्ष अलग अलग हैं, मान वही है। तो शीर्षाभिमुख, भिमुख का मतलब उल्टा, शीर्ष
अलग अलग है लेकिन मान क्या है बराबर, तो इन्हें क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, ये कोण इस कोण के, जो बिल्कुल उल्टा हो, जैसे शीर्ष ऊपर है तो नीचे वाला शीर्ष, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहे हैं ये वाला उनका मान बराबर होगा। जैसे ये और ये, इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा, इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा, तो इन कोणों को हम क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब देखते हैं प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, जैसे ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी का मतलब है कि उन दो रेखाओं में एक बिंदु समान हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो देखिए इन दोनों रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ है कि नहीं है, है, तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ गए आप? और समांतर रेखाएं क्या होती हैं या फिर अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ये जिनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। जैसे ये जो दो रेखाएं हैं ये बढ़ रही हैं आगे, तो ये बढ़ रही हैं, तो हमने इसको यहां तक बढ़ा लिया, इसको हमने यहां तक बढ़ा लिया, तो देखिए ये जाके यहाँ पे मिल गई, मिल गई, तो इसका मतलब क्या है इन दोनों रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अभी तक हमें क्या लग रहा था कि ये दोनों अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, लेकिन ये शांत रेखाएं नहीं है, शांत रेखाएं नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये मिल जाएंगे, कहीं जाके मिल जाएंगे तो उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और अगर समांतर रेखाएं हैं मतलब इन्हें अगर हम आगे बढ़ा भी लें तब भी ये कहीं जाके नहीं मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, और इन्हें हम क्या कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका मतलब कि वो कभी जाके नहीं मिलेंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय और कुछ अभिग्रहित। Thank you.